हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी और दूध का बहुत ही टेस्टी हलवा। और ये हलवा बनाने में हेल्प करेंगे मम्मी जी, खासकर ये मम्मी जी बना रहे हैं और इन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और अभी बारिश का सीज़न भी चल रहा है तो गर्मा गर्म हलवा किसे पसंद नहीं है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर डालेंगे घी। यहाँ मम्मी जी 2 चम्मच घी ले रहे हैं बड़े वाले चम्मच से। आपको जितना हलवा बनाना है आप उतना घी ले सकते हैं। गैस ऑन कर दिया और घी को हम अच्छे से पिघलने देंगे। यह हम सूजी का दूध वाला हलवा बना रहे हैं, इसमें दूध डाल के बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम दानेदार। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जैसे हम हलवे में वो मावा डाल के बनाते हैं ना, उस टाइप से ये हलवा मम्मी जी बना रहे हैं। और मौसम है जो बहुत ही ठंडा है, तो बारिश हो रही है तो ठंडे ठंडे में गरम गरम हलवा खाने का मन तो सभी का करता है, इसीलिए मम्मी जी बना रहे हैं आज सूजी का हलवा, हम सब खाएंगे मिलकर। और यहाँ हमने 1 कटोरी सूजी ली है, उसको अच्छे से सेकनी है घी के अंदर। यदि आपको घी कम लगे तो थोड़ा घी और ले सकते हैं, लेकिन अभी तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। लेकिन सूजी को अच्छे से सेकना है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। सूजी थोड़ी अच्छे से सीक जाए तभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के बेसन। इससे इसका टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है, बेसन डालने से बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। इधर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर लिए हमने ड्राई फ्रूट, इसको थोड़ा हम बारीक कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ते और 2-3 इलायची ले ली है। आरुष बोल रहा है रहने दो मम्मा, इतना काम तो मैं भी कर दूँगा। ये देखो आरुष ड्राई फ्रूट कूट रहा है। इधर दादी हलवा बना रहे हैं और आरुष दादी की हेल्प कर रहा है, मैं तो आराम से बैठ के हलवा खाऊँगी। देखो कितना काम करता है आरुष। आरुष के कपड़े गंदे हो गए सारे, काम कर करके सारे दिन काम में लगा रहता है बेचारा। इधर हमारा हलवे का आटा सीख रहा है, अच्छे से सेकना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए आटा। तब अच्छे से सीखेगा तो हलवे का टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आएगा। आटा अच्छे से सीख जाए तब हम इसमें 1 ग्लास दूध डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध। ये देखिए इस तरह से हलवा बनाते हैं ना, बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 ग्लास दूध काफ़ी होता है, 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी तो इसमें 1 गिलास दूध है जो बहुत है, इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है इसमें। और देख सकते हैं एकदम सूजी का जो दाना है, एक एक दाना फूल के अलग अलग दिखने लग जाता है और हलवा है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आप पानी ऐसे अंदाज से डालें या नाप के भी डाल सकते हैं, जैसे हमने 1 कप सूजी ली थी 1 कटोरी, तो आप उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दें और 1 गिलास दूध डाल दिया था तो वो भी परफेक्ट होता है, या फिर आप अंदाज से भी डाल सकते हैं। यह हम डालेंगे चीनी। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा हमने चीनी डाल दी है। यह चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए मीठा और फिर उसके हिसाब से। हम तो हमेशा अंदाजे से ही डालते हैं और वो एकदम परफेक्ट होती है, कभी ना तो मीठा होता है ज़्यादा ना कम मीठा रहता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ बनाते रहते हैं ना तो आदत होती है उसकी, और वैसे भी मम्मी जी बना रहे तो इनको तो आइडिया है कितना डालेंगे तब मीठा हो जाएगा। तो अभी हम इस पर डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। हमने ड्राई फ्रूट को सारे अच्छे से थोड़ा सा कूट लिया है, आप चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं, और इनको भी अच्छे से मिला देंगे हलवे के अंदर। हलवा बहुत ही टेस्टी बना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो गैस बंद कर देंगे और अभी मम्मी जी सबको गर्मा गर्म हलवा परोस देंगे और हम खा लेंगे सब जने। आयुष भी बैठा है बीच में लेकिन खाएगा कुछ नहीं, पंचायती ज़रूर करेगा। अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम होता है तब गरम गरम खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और दिन को भूख लगे या कुछ गरम गरम खाने का मन करे तो फटाफट से हलवा बना के खा सकते हैं। मम्मी जी ने सबको हलवा परोस दिया है और अभी हम टेस्ट करके भी बताते हैं कि हलवा कैसा बना है। और यहाँ आरुष ने जो थोड़े ड्राई फ्रूट बचे थे उसकी सबकी धचियाँ उड़ा दी है। देखो इसको हलवा खिला रहे हैं लेकिन ये नहीं खाएगा,
इसको कुछ नहीं खाना, इसको पंचायती करनी है चारों तरफ। तो हम हलवा टेस्ट कर लिया है और हलवा है जो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।